रेडी फॉर फिंगरप्रिंट्स ट्रिपल टेस्ट. पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आमतौर पर स्कूल की पोशाक का कौन सा हिस्सा पॉलिश किया जाता है? यूजुअली विच पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म इज पॉलिश्ड. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने. ए स्कर्ट, बी शर्ट, सी जूते या शूज, या इज इट डी मोजे या सॉक्स. समय समाप्त हो गया. सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए. जूते. जूते जो हैं वो पॉलिश किए जाते हैं. शूज. सी में उत्तर किन किन लोगों ने दिया है ये देखा जाए. लीडर बोर्ड पे सबके नाम आ गए हैं. एक को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया है. और सबसे तेज जवाब आर्य शाह. ओके, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? लीडर बोर्ड पे आर्य शाह जो है नंबर वन साल पर आ गए. अब आएगा दूसरा प्रश्न. रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस खेल में दो टीमें एक रस्सी को खींचती हैं? इन विच ऑफ दी स्पोर्ट्स वुड यू फाइंड टू टीम्स पुलिंग ऑन ए रोप? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए बॉलिंग, बी टग ऑफ वॉर, सी हॉकी या डी डिस्कस थ्रो. समय समाप्त. सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी टग ऑफ वॉर. रस्सी होती है, दो टीमें होती है, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है. ओके, अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है. राप्ती जी को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया. और सबके तेज जवाब आर्य शाह ने सही उत्तर दिया है. तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? आर्य शाह नंबर वन स्थान पे थे और अभी भी नंबर वन स्थान पर बने हुए हैं. अब आएगा तीसरा प्रश्न. रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर बिल में रहता है? Which of these animals usually lives in burrows? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने. ए बंदर, शेर, बी सी खरगोश, डी बाइसन. ए मंकी, बी लायन, सी रैबिट और इज इट डी बाइसन. हो गया समय समाप्त. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी रैबिट. खरगोश जो है वो अंदर रहता है बिल में. अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है. सबने सही जवाब दिया. सबसे तेज जवाब स्वरा गांधी. 0.8 आंसर इज ऑल राइट. तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं आर्य शाह नंबर वन स्थान पर थे. और अब जीत गया. एकदम हर दिन में आ गया. कब से आप बोल रहे हैं हॉट सीट हॉट सीट? पहुंच गए आप हॉट सीट पे. जब आपका नाम हुआ तो आप पूछ रहे मैं हूँ क्या? अपना नाम बोल गए क्या? बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर. तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं बहुत ही चुलबुले आर्य शाह. ये फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और अहमदाबाद गुजरात से हैं. बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका. थैंक यू सर. और चुलबुले हमने इसलिए कहा कि जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था तो बैठ करके आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे कही थी कि किस तरह आप लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा आपको घेरे रहती है. और यह बिल्कुल सही है. और लड़के ज़्यादा नहीं आते हैं. और हमने जब पूछा ऐसा क्यों होता है तो आपने कहा था कि क्योंकि मैं कृष्ण हूँ. आज लड़के जो है ना वो सब एक साइड पर है और लड़कियां दूसरी साइड में सिवाय एक के, आर्यव. ये बैठे हैं लड़कियों की तरफ. अच्छा आर्यव, ऐसा क्यों है कि आप उधर जा करके बैठ गए? एक्चुअली मेरे रिपोर्ट कार्ड में ये डाला था कि वो मेरे को कान्हा जी करके बुलाते, तो अभी कान्हा जी तो गोवे के बीच में ही तो रहते हैं इसी ऐसे. और ये बाकी जितने हैं सब मेरी गोपियां हैं.
मिस्टर आरिफ शाह, ये इतना ज्ञान आपको कहाँ से आ रहा है? सर एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे बुक्स होगी, काफी है मेरे पास लाइक बुक्स है, उसमें आप पढ़ते हैं? कुछ 80-90 होंगे शायद। 80-90? मुझे नहीं पता मेरे पास कितने, क्योंकि मैंने आज तक काउंट नहीं किया है। लास्ट टाइम मैंने किया था 58 थे। 58 किताबें हैं आपके पास? अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ उससे ज्यादा ही है, डबल हो गई ये बुक्स। ओके, जितना भी ज्ञान है आप किताबों से आपको मिलता है या कंप्यूटर से, मोबाइल पे मिलता है? दोनों से। अच्छा, कृष्ण और गोपियों की बात आपने कहाँ पढ़ी थी? मेरे पास एक्चुअली 3-4 माइथोलॉजी की बुक्स भी है। 3-4 माइथोलॉजी की बुक्स, उसमें ये निकला था 365, एक ऐसे हनुमान जी की, और महाभारत और गीता भी। ये सब आपने पढ़ा हुआ है? एकदम। भाई साहब आपका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या और बता देंगे आप हम। रिपोर्ट कार्ड प्लीज। ये आ गया है आर्य शाह, ऑल्सो क्यूटी पाई। हाँ ये सही नाम है आपका, है आप बिल्कुल क्यूटी पाई। मम्मी पापा ने रखा था। मम्मी ने रखा था? हमने सोचा कि वो जो गोपियां हैं आपकी उन्होंने रखा होगा। इनकी उम्र है 9 साल की। okay. उद्गम स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन द 4th स्टैंडर्ड ये पढ़ रहे हैं। What he likes is luxurious cars, living in Mumbai, Indian mythology and martial arts. थोड़ा बहुत कर लेते। बड़ी बड़ी गाड़ी आपको पसंद है? हाँ, अच्छी है, लेकिन मैंने लिमोसिन देखी हुई है। अच्छा? सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रहा। He dislikes living in Ahmedabad. अरे आप है अहमदाबाद में क्यों? Why do you dislike and playing garba? You don't like to play garba? No, not at all. हाँ। इतनी गोपियां सब आपके चारों तरफ नाचेंगे। अरे एक्चुअल में मुझे देखना अच्छा लगता है, like swirling, dancing, ऐसे अच्छा लगता है। तो सिर्फ देखना चाहते हैं आप? आप खुद नहीं डांस? सिर्फ देखना है मेरे को। Okay. Like. और अहमदाबाद में रह रहे वहाँ क्यों नहीं आप रहना चाहते हैं? वहाँ का पानी मेरे सोसाइटी में जैसे पानी आता है like, वो सर में जाए तो पूरा रफ रफ हो जाता है एकदम। इसीलिए कभी कभी मेरे पापा इन आरों से पानी भर के नहाते। बोल दिया भांडा आपने। ओके, एम क्या है आपका? टू बिकम द होस्ट ऑफ KBC। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई साहब। ओके। यू नो हमको बहुत बुरा लग रहा है इसमें कि आप हमारी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। पेरेंट्स रिमार्क, ही इज लाइक लॉर्ड कृष्णा, नटखट बट क्यूट। वो तो बात हो चुकी है हमारी आपकी। ओके। भगवान कृष्ण की तरह हैं आप, गोपियाँ चारों तरफ घूमती रहती हैं आपके। हाँ, एक बार एक्चुअली जन्माष्टमी पे ऐसे फोटो भी आया हुआ है जिसमें मैं एक मोरपंख पहन रहा हूँ। तो मोरपंख डाला तो आप भगवान कृष्ण हो गए। ऐसे वो ही तो पहनते हैं, और कौन पहनते हैं? अरे जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने साथ? मेरी मम्मी और मेरे पापा। आपके मम्मी और पापा हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। घर में भी ऐसा ही है ये कि नहीं? हाँ सर, बहुत बोलता है, कभी कभी हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे। अभी तक तो एकदम सही कहा है इन्होंने, जो कुछ भी कहा है। अरे डारिया, बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। डारिया देखिए, अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। ओके। ऑलराइट, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। यस सर। केवल लाइफलाइंस की ओर हम आपको थोड़ा सा बता दें। ओके। तीन लाइफलाइन है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। ओके। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। यस। और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। ओके। ये लाइफलाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होती है, जिनसे ये सवाल का सही जवाब मांग सकते हैं। और आज के एक्सपर्ट है अनुजा चौहान जी। ओके। तो अनुजा जी हमारे सामने प्रकट होइए और बधाई दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑल द बेस्ट आर्य। थैंक यू। रिमेंबर मी जब तुम केबीसी के होस्ट बनोगे, भूलना मत। ओके। थैंक यू सो मच अनुजा जी, तालियां बजाएं अनुजा चौहान जी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अनुजा जी जो हैं ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, ऑथर हैं, ये एडवर्टाइजर हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं। ऑलराइट,
ये तो तीन लाइफलाइन है, एक लाइफलाइन और मिलती है ज्ञानास्त्र। बिल्कुल सही कहा आपने, इनकी चौथी लाइफलाइन जो है वो सुपर पावर से सुपर हीरो है, यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट जो होगा वो होगा वो जो इन्होंने चुना होगा। लेकिन यह ज्ञानास्त्र तभी एक्टिवेट होगा जब ये पहले पड़ाव को ये पार कर ले। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। यस, प्रारंभ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक गुजराती व्यंजन नहीं है? सर एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगती है आजकल। अच्छा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए गुजराती स्नैक? ए डोसा, डोसा। बी ढोकला, सी खमन, डी फाफड़ा। ए डोसा को लॉक किया जाए। इतने तेजी से पटाक करके आप लोग जवाब दे देते हैं, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। जब भूख लगती थी ये सब खाते हैं आप, फाफड़ा वगैरह? हाँ, वैसे मुझे फाफड़ा ऐसे सब अच्छा नहीं लगता, मैं ढोकला खा लेता हूँ वैसे, खमन ढोकला। अच्छा। पर जलेबी मेरी फेवरेट है। जलेबी, जलेबी मिलती है वहाँ पर आराम से? आराम से वही, लाइक गुजरात है वो। अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करता हूँ। दूसरा प्रश्न है, ये 2000 पॉइंट मिलेंगे आपको। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस शब्द का उपयोग हवा के चलन को दर्शाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ दीज इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एयर? ओके सर, ऑप्शन ए वेव, बी रेन, सी विंड, डी फायर। लहर, वर्षा, वायु या अग्नि? सी विंड को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। टीकुल, सही जवाब दिया आपने। सर एक्चुअली ये मैंने स्कूल में पढ़ा था। ये आपने पढ़ा हुआ था? अहमदाबाद की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बोल रहा हूँ, लाइक ऐसे गूगल पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, सच्ची में हमारे एक बस पे तो ऐसा भी लिखा हुआ है, नंबर वन स्कूल ऑफ अहमदाबाद। इसीलिए तो आप फटाफट उत्तर दे रहे हैं। पर सर थोड़ा बहुत काफी पढ़ा लेते हैं। हैं? हाँ थोड़ा बहुत काफी पढ़ा लेते हैं, लाइक। अच्छा, हाँ सच्ची में, लाइक एक दिन में 4-4 होमवर्क, और वो भी इतने इतने बड़े। भाई साहब आप आगे खेले हम? यस सर, क्योंकि हमारा मन कर रहा है कि बस आप ही बोलते जाए, हम आपको सुनते जाए। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स। अरे वीरा आपके सामने। अच्छा ये इमेज ऑप्शन वाला प्रश्न है, ओके? सर आई थिंक ये ब्लैक पैंथर ही होना चाहिए। चाला भी हो सकता है, ब्लैक पैंथर भी हो सकता है। ना हमने प्रश्न पढ़ा है, ना ऑप्शन दिया है, आपने उसको देख करके उसका जवाब भी दे दिया है। आप क्या है? इनमें से किसका लोकप्रिय अंग्रेजी नाम एक सुपर हीरो के नाम से मिलता है जो वकांडा से है? The popular English name of which of these is the same as that of a superhero from Wakanda? Option suniye. A. Image option aapko dikhayenge yahan. Image D. option A, image option D B, Panther. Image option C. Sir D Panther. Hein? Sir D Panther. Ab image bolna padega. Sir lock kiya jaye image option D. Image option D pe taal lagaya jaye. Bilkul sahi jawab diya aapne. Black Panther behad safal raha hai. और इसने वकांडा फॉरएवर फ्रेज को लोकप्रिय बना दिया है। इस भूमिका को चैडविक बोसमैन निभाया था। सर एक्चुअली मुझे कब से देखने का मन कर रहा है, पर देखने को मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। क्यों? मुझे नहीं पता, थिएटर में भी नहीं जा सकता अभी तो। मम्मी पापा से अभी पूछ लो आप, फिर से मैं ये कह रहा हूँ। वो जब हॉट सीट पर आएंगे तो पूछेंगे ना उनसे। वैसे तो अभी और 2 सीट लगवानी पड़ेगी। अरे चलो ध्यान दो इधर। ओके सर। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रेत घड़ी इनमें से क्या मापती है? टाइम। द पर्पस ऑफ एन आवर ग्लास इज टू मेजर विच ऑफ दीज? ऑप्शन सुनिए, ए वेट, सी टाइम को लॉक किया, बी डिस्टेंस, सी टाइम, डी टेम्परेचर। बाहर दूरी, समय या तापमान? सर सी टाइम को लॉक किया जाए। सी टाइम पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और हर बार ऑप्शन आने से पहले ही आप इसका जवाब दे देते हैं। मेरी दादी की दादी के पास भी एक इतना बड़ा आर ग्लास था, लेकिन उसे कुछ घंटे लगते थे एक बार खत्म होने में, और अभी मेरे पास भी कुछ तीन चार थे, पर इतना ही मिट्टी था, पता नहीं अभी भी है वो। मुझे नहीं पता किधर है, क्योंकि वो छोटा होता है और शिफ्ट करने के टाइम पे इधर उधर शायद गया होगा। थक जाएंगे हम भाई साहब आपके साथ खेलते खेलते। All right, Aryab. Yes, sir. पांचवा प्रश्न, 10,000 points. Ready? Yes, sir. पांचवा प्रश्न, 10,000 points. स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अच्छा पढ़ते ही उत्तर मत दे दीजिएगा आप। ओके सर। भारत में इनमें से क्या कार चलाने के लिए उपयोग होने वाला एक सामान्य ईंधन नहीं है? In India, which of these is not a common fuel used to run cars? A. CNG, B. coal, C. diesel, D. petrol. CNG, A. B. कोयला, C. diesel या D. petrol. बी कोल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर एक्चुअली सीएनजी गाड़ी के डिक्की में होती है, पूरा एक ऐसे टैंकी भरा हुआ होता है, और जैसे वो पता नहीं कुछ होता है जिससे आप ऐसे करो तो फ्यूल अंदर जाता है, वो एकदम उससे से ही कनेक्टेड है। पर बाकी की कार डीजल पेट्रोल में ऐसे डालोगे तो शायद ऐसे नीचे से जाके इंजन में जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे जाता है, पर मुझे इतना पता है कि वो जो आप भी जानते होगे शायद, ये कोई रेक्टेंगल या सर्कल होता होगा, लाइक वहाँ उसे खोलते हैं तो ऐसे भरते हैं। थैंक यू। ऐसा है आर्यव कि मुझे लग रहा है कि आपसे बातें करने के बाद मुझे वापस स्कूल में जाना पड़ेगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जितना ज्ञान आप हमको दे रहे हैं उसके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। तो इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है, और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज़ है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानास जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ऑलराइट, ये देखिए चौथा आपका लाइफलाइन आ गया है। ओके सर, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। Alright, आरव। सर। हाँ जी। Actually, आपने गलती से आरव बोल दिया, आर्यव है। आर्यव, sorry। सर, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मुझे आरव, आर्यन या आर्या भी कभी कभी बुला देते हैं। बोल देते हैं लोग। हाँ। कुछ लोग मेरा नाम ही नहीं बोल पाते। नहीं नहीं, अभी हम बिल्कुल सही बोलेंगे, आर्यव बोलेंगे। हाँ। आर्यव जी, एक चीज पूछनी है आपसे। आप बॉर्न हुए अहमदाबाद में। ओके। फिर आपके पिताजी का ट्रांसफर हुआ मुंबई। okay. तो आप मुंबई आ गए। okay. फिर मुंबई से अभी आप वापस अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया, यही मैं कह रहा हूँ। सर पता है, थोड़ा इधर उधर चलता रहता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो कनाडा से चल के आया हूँ। अच्छा, जब आप मुंबई में थे तो आपके कुछ दोस्त वगैरह थे कि नहीं? हाँ, काफी थे। काफी थे, बेस्ट फ्रेंड के नाम वाम कुछ मान ले मैं आपको? जानवी और एक कियांश। और पहले का नाम था जानवी, सबसे पहले उसे मिला था मैं, पर उससे पहले भी एक थी ही। वैसे मैं उसे चार पांच साल तक ऐसे दोस्त था, इसके बाद वो शिफ्ट हो गई कहीं घाटकोपर में आई थी, और उसके बाद जानवी आई, एक बार लिफ्ट में मिला था मैं उसे, इसके बाद ऐसे सब दोस्ती हो गई। ये जानवी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी आप उनके साथ टच में रहते हैं? हाँ, रहते हैं ना, लाइक काफी बार। कैसे रहते हैं? ऐसे सर, हमारे पास भी कंप्यूटर फोन होता तो है। क्या करें ऐसे लोगों का? भाई साहब, खेल को आगे बढ़ाएं या आपकी बातें सुनते रहें? सर मैं तो सोच रहा था जब आप बोल लो तब बढ़ाते हैं। मुझे तो एक्चुअली बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली मैं थर्ड स्टैंडर्ड में मैंने इतना बातें किया हुआ है, लाइक हाथ भी ऊपर करता हूँ, मैम बोलते प्लीज रुको टाइम है, इतना बात किया है मैंने। अच्छा ये बात बताइए, मुंबई में तो आपके दोस्त थी, अहमदाबाद में भी आपने कुछ दोस्त बनाए? डेढ़ दोस्त बनाए। सर जैसे 7.5 है वैसे 1.5। तो 1.5
की धारणा आप बताएंगे कैसे होती है? सर, 1.5 दोस्त कैसा होता है हमको बताएंगे आप? एक दोस्त जो लाइक पूरा दोस्त है, और उसके बाद एक ऐसे दोस्त जो लाइक अभी तक आधा आधा लाइक टाइप दोस्त बन गया है, पर थोड़ा बातचीत में ऐसे हो जाए तो ठीक है। मतलब आधा दोस्त है वो। आरिफ जी, अब हम खेल की ओर बढ़ते हैं। यस सर। बता दें कि आपके सामने अब आने वाला है छठा प्रश्न। 20,000 और मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ओके सर, अभी तो थोड़ा मजा आएगा वैसे। हैं? मुझे पता है मैं कभी कभी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है, लाइक फिक्स होता है मेरे दिमाग में, पर अभी लाइक 60 सेकंड तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स। आर्यव? यस सर। ठीक बोला ना? हाँ सही। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समुद्री स्तर पर सेल्सियस में किस तापमान पर हम मानते हैं कि पानी उबल चुका है? सर मैं जानता हूं। At what temperature measured in Celsius does water boil at sea level? Okay, sir. Option सुनिए, A 100, B 90, C 85, D 80. A 100 को लॉक किया जाए। A. सर A बोलना Okay, sir. मैंने बोल दिया आपका। A 100 को लॉक किया जाए। Well done. Right answer. अब आएगा सातवां प्रश्न। ये है 40,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी आर यू? यस सर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। आर्यव, ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर है। सर? ये चित्र किस भारतीय राजा और सिकंदर के बीच हुए एक प्रसिद्ध कथित बातचीत को दर्शाता है? सर ये शायद पौरस या चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। या इसको किसने बुलाया यार खेलने के लिए इधर? दिस पैनल शोज अ फेमस रिपोर्टेड इंटरैक्शन बिटवीन विच इंडियन किंग एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। इमेज दिखाई जाए। ओ डैश टेल मी हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड। सर जिधर भी पोरस है उसे लॉक करते। ऑप्शन सुना जाए, ए अंबी, बी पोरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कनिष्क। बी पोरस। क्या करें? पोरस। पोरस क्या? उसको लॉक किया जाए। बी पे तल लगाया जाए। वेल डन इज द राइट आंसर। ये झेलम नदी के तट पर हाइडास्पिस की लड़ाई के बाद की घटना है। सिकंदर ने पोरस को हराया था, ये पूछे जाने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें तब 9 जगह पे लगा था अपनी बॉडी पे, पर मुझे ये याद नहीं है कि किधर लगा था। ओके, मैं बता रहा हूँ आपको ना। ओके। ये माना जाता है कि पोरस ने कहा था कि एक राजा की तरह। अलेक्जेंडर ने उसे पूछा कि किस तरह आपका व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो हार गए थे। सर? तो उन्होंने कहा कि एक राजा की तरह व्यवहार हो। इसके बाद सिकंदर ने उसे उसका राज्य और भूमि वापस दे दी। और उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सर? और, जी। आई थिंक कि थोड़े टफ क्वेश्चंस और आने चाहिए, थोड़े इजी है। अच्छा, मैं आपकी दरखास्त डाल दूंगा यहाँ, फिर देखते हैं क्या। एक बार मुझे बस 3,20,000 तक कोई लाइफ लाइन नहीं करनी है, तब तक थोड़ा इजी रखो। उसके बाद तो वैसे भी टफ ही होता है। Alright. ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जो, अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम उनको अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। मेरे पास अमर चित्र कथा भी है, मेरे पास अमर चित्र कथा भी है, अमर चित्र कथा है, दोनों हैं भाई। ओके ओके, 58 बुक्स में से एक अमर चित्र कथा भी है आपके पास, आपने कहा ना, एक नहीं कुछ 8-10 होगी शायद। 8-10 होंगी। ऑलराइट, अब आ गया आठवां प्रश्न। रेडी? 80,000 पॉइंट्स। सर अभी 8-10 बुक्स अमर चित्र कथा की और आठवां प्रश्न 80,000। वही मैं बोलने जा रहा था आपको। सर थोड़ा बहुत मैं भी नोटिस करता हूँ। आठवां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्य वीरा? यस सर। yes,
विश्व भूगोल के संदर्भ में इनमें से क्या गलत है? With reference to world geography, which of these is incorrect? Yes, sir. I got the question. A. Largest continent, Asia. B. Largest ocean, Pacific. C. Largest country, Russia. D. Largest desert, Gobi. हिंदी में बताता हूँ, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। सर, गोबी को लॉक किया जाए, पर एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसमें? ये पहले लॉक कर दें भाई साहब। ओके सर, लॉक कर दो प्लीज। लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, डी पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन सर। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। 80,000 पॉइंट जीत गए आप भाई साहब, हम बताएंगे आप। सर, ये इंग्लिश में रशिया दिखाता है, पर हिंदी में रूस क्यों दिखाता है? क्योंकि ऐसे बोला जाता है, जैसे इंडिया को इंडिया बोलते हैं लेकिन है भारत। हाँ सर, अलग अलग नाम के भी अलग अलग कंट्री तो होने चाहिए ना, पर हिंदी में लाइक अ है ना रशिया में, उसको ऊ कर दिया और वो एंड में एस आई ए निकाल दिया भाई। हाँ, ये रूस हो गया जी, पर रशिया भी रूसा हुआ नहीं बैठा है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान एंटार्क्टिका है और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। अरे बहुत ही अब ध्यान से आपको खेलना होगा, ठीक है? ओके। आ गया है नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 पॉइंट्स। यस सर। नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। आर्यव जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्राजील ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी जिसकी एक प्रसिद्ध फुटबॉल टीम है? फ्रॉम विच कंट्री दैट हैज अ वेल नोन फुटबॉल टीम डिड ब्राजील गेन इट्स इंडिपेंडेंस? यस सर। ओके, ऑप्शन सुना जाए। ए स्पेन, बी इटली, सी पोर्चुगल, डी फ्रांस। स्पेन, इटली, पुर्तगाल या फ्रांस? सर ऑडियंस बोल। नहीं मालूम, ऑडियंस बोल लेंगे। भाई साहब शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आर्यव, ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, मदद कीजिए आर्यव की और आपका समय शुरू होता है अब। जवाब आ गया है, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी पोर्चुगल को। सर मुझे लग नहीं रहा था पोर्टुगल है, आई थिंक पोर्टुगल को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए, जनता के साथ जाएंगे आप? ओके सर। ऑडियंस के साथ? सर बस ये मत बोलना वो गलत है। ओके, सी पोर्टुगल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। मुझे एक्चुअली सच्ची में नहीं पता था पोर्टुगल है, क्योंकि लाइक पोर्टुगल तो एक छोटा सा कंट्री। तो ब्राजील जो है वो एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी और 1822 में, 1822 में उसे पोर्चुगल से स्वतंत्रता मिली। शायद इसीलिए वो पोर्टुगीज ही बोलते हैं ब्राजील में। आपको मालूम है वहाँ कैसे बोलते हैं? हाँ, उसे जेरोनिमो स्टिल्टन पलता तो पता। अच्छा, आपको पता है? कैसे पता है आपको? उसकी एक बुक थी रंबल इन द जंगल इफ आई एम राइट, वो उससे पता चला। लाइक जैसे पोर्टुगीज में हाय को ओई बोलते हैं। Alright. इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। Yes, sir. Okay? ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दसवां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दक्षिण पूर्वी एशियाई में पाया जाने वाला दुनिया के सबसे छोटे भालू का अंग्रेजी नाम किस खगोलीय पिंड से मिलता है? फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, the world's smallest bear shares its name with what celestial body? Samajh gaye? Yes. A. Moon, B. Star, C. Sun, ya D. Meteor. A. Chandrama, B. Tara, C. Surya, ya D. Ulka. सबसे जो छोटा भालू है उसका नाम किससे मिलता है? सर मैं ये समझ नहीं पा रहा, मून या स्टार लग रहा है मैं। वैसे मीटियर तो मेरे मामू की बाइक का नाम है। आई थिंक 50-50। ओके, शांत हो जाइए,
50-50 लाइफलाइन लेंगे ये. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ये दो जो गलत ऑप्शन है वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए. बचा है सन और मीटियोर. आई थिंक इट मस्ट बी सन. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटियोर होना चाहिए. मुझे छोटा भालू, सबसे छोटा भालू. सर ज्ञानास्त्र. ज्ञानास्त्र, 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 ज्ञानास्त्र को लॉक किया जाए. ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए, ये लाइफलाइन लेंगे. ऑलराइट, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सेलेक्ट किया है, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा. गेस कीजिए, आप कह रहे हैं डी मीटियोर. डी मीटियोर पे ताला लगाया जाए, गलत होता ये. सही उत्तर है सन. सन बेयर कहते हैं उसको. सन बेयर, इसका वजन जो है 27-60 किलो तक होता है ओनली, और ये मात्र 1 मीटर ऊंचा होता है. 1 मीटर. इसकी छाती पर येलोइश क्रेसेंट ऐसे लगा हुआ है छाती पे, इसे ये नाम मिलता है उसे सन बेयर. ओके, तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन सेलेक्ट किया है, और इसका ज्ञानास्त्र है माइथोलॉजी. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्न आने से पहले आपको इसका एक जादुई मंत्र जो है वो बोलना पड़ेगा. बोलिए. अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम. अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम, पलट दिया जाए. ऑलराइट आर्यव, प्रश्न आ गया है. इनमें से किस पांडव को धर्मराज और पांडव श्रेष्ठ भी कहा जाता है? विच ऑफ दीज पांडव्स और पांडवाज इज ऑल्सो नोन एज धर्मराज एंड पांडव श्रेष्ठ. ए अर्जुन, बी नकुल, सी युधिष्ठिर या डी सहदेव. सर सी युधिष्ठिर, सॉरी सी युधिष्ठिर को लॉक किया जाए. सी युधिष्ठिर लगा दे ताला. यस सर. सी पे ताला लगा जाए. वेल प्लेड आर्यव, सही जवाब है आपका. और चेक आ गया 3,20,000 का आपके नाम. वेल डन. जवाब दिया. युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और वो धर्म के पुत्र थे और धार्मिकता के बारे में सबसे अधिक जानकार थे वो. उन्हें धर्म पुत्र भी कहा जाता है ना. हाँ हाँ. और अर्जुन को पार्थ. नकुल और सहदेव का नहीं पता, पर वो बहुत हैंडसम थे. और अश्विनी कुमार के आपको कैसे मालूम कि वो हैंडसम थे? सर सर महाभारत भी थोड़ा गलत नहीं दिखाता है ना इमेजेस में. ऑलराइट आर्यव, ध्यान से सुनिए. अब ये जो डीजे बाबू हैं शांत हो गए. यस सर. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय ही समय है. यहाँ हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है. इसका नाम है तिलस्मी तिजोरी. यस सर. इसी के साथ आपको हमने बताया था 1,75 लाख का खुल जाता है द्वार. पढ़ाओ 15वां प्रश्न है. धन अमृत पढ़ाओ. धन अमृत. ओके, ये 75 लाख का है. 75 लाख 1 करोड़ से थोड़ा इजी है या टफ है? आप जानना चाह रहे हैं कि 75 लाख वाला जो प्रश्न है वो इजी है या नहीं? 1 करोड़ के मुकाबले. 1 करोड़ के मुकाबले नहीं. OMG. एक चीज बताइए आप भाई साहब, 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए. यस सर. आप हमारी कुर्सी पे क्यों आंख डाले हुए हैं? सर ऐसे केबीसी का होस्ट बनना भी लाइक बहुत बड़ी बात है. ऐसा आपको क्यों लगता है कि केबीसी का होस्ट आपको बनना है? सर लाइक वैनिटी मिलती है अच्छी. सब कुछ मिलता है, लाइक लिमोज़िन तक मिलती है. आपको बहुत शौक है कि आप मेरी कुर्सी उस पे आ जाएं. आ जाइए आप इधर. ठीक है. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.
क्या आराम है, एकदम गरम कुर्सी पे बैठ गए हैं हम। अब हरीश जी खेल को अब आपको चलाना है, चलाइए। यस सर। ज्ञाननाथ जी, हमारे सामने बैठे हैं श्री अमिताभ बच्चन। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, पर अभी फिलहाल हम इनका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। ये जहाँ से खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ जी। सर एक्चुअली फुटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल लिखा है कि मुझे अच्छा लगता है। सर वैसे मुझे खेलना अच्छा लगता है। आपको खेलना अच्छा लगता है। एंड होस्टिंग केबीसी डिसलाइक्स कॉम्प्लीमेंट्स, ये क्यों सर? यानी कोई हमारी तारीफ वारीफ करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। सर मुझे तो ऐसा लगता है जितनी तारीफ करनी है कर लो, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और इनका एम ये है टू प्रोटेक्ट हिज होस्ट सीट फ्रॉम ए किड, उससे बचना है और आप पहुंच गए वहां। Remarks, he is always punctual. Okay. हमने सुना हुआ है कि आप बहुत पंक्चुअल है। हाँ जी। ये सच है? बिल्कुल सच है। एंड वेयरिंग फंकी आउटफिट्स लाइक्स में ये फंकी है ना एकदम। फंकी तो मैं भी थोड़ा पहनता हूँ। ये जानबूझ कैसे पहनाया है सर? क्योंकि हमें बताया गया कि ये जूनियर है कार्यक्रम, इसलिए आपको भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप उनके हम उम्र लगे। सर हम आपको दो फोटो दिखाएंगे और उसमें आपको बताना है कि आप तब क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और आपको ये क्यों पहनना था। हमारी? हाँ। कहाँ है? दिख गए, ये पहली वाली। और ये आप जो ऐसे कर रहे थे ऊपर देखिए क्या लिखा है। Happy New Year. ओके, ये चश्मा टोपी और वो जो है ना Happy New Year, ये हमको आराध्या ने दिया था। तो नया साल जब मनाया गया घर में सर, तो उन्होंने हमको ये सब दे दिया, हमने उसको पहन लिया और फोटो भी ले लिया और उसको छाप दिया। सर वैसे पहले एपिसोड में जो आपने जूते पहने थे एकदम सेम कलर के आपकी हैं। हाँ वही सेम कलर ग्लासेस हैं। माफी चाहते हैं, अभी हमने नहीं पहना हुआ उनको। तो गलती हो गई हमसे। सर ऐसे कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये आप क्यों पहन रहे थे? ये कौन सी दूसरी थोड़ा आ गई। सर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो सच्ची में आपके आंखें इसके पीछे हैं। भाई साहब ऐसा था कि ये उस जमाने की बात है जब कोविड फैला हुआ था और कोविड के टाइम पे हमको खेलना था ये खेल, तो ये चश्मा था कि ऐसे लग जाए चश्मा ताकि कोविड जो है वो आँख के जरिए अंदर ना घुस सके। पर हमने तो आपके सबके सब केबीसी के एपिसोड्स देखे और एक भी ऐसा नहीं दिखा है। नहीं ये एक रिहर्सल था, उस समय हमने पहन लिया था। पर सर ये केबीसी 2020 था, 2021 या अभी का? 2021 में हमने ये पहना था। ओके। भाई साहब कुछ अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास? सर मुझे अपनी सीट पर वापस जाना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिग हैंड फॉर आर्यव, कम आर्यव, आजा आजा। थैंक यू सर। ठीक है, ऑलराइट, बिग हैंड फॉर आर्यव। ऑलराइट आर्यव। यस सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है।
3,20,000 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न, ओके? ये लीस्ट रिस्क वाला है। okay. अभी भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है, वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। तो कहीं भी आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आप ये लाइफलाइन ले सकते हैं। yes. ओके okay? yes, sir. 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट। आर्यव, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को 2022 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी इन द ईयर 2022? ऑप्शन सुनिए। ए केमिस्ट्री, बी लिटरेचर, सी फिजिक्स, डी पीस। डी पीस को लॉक किया जाए सर। रसायन विज्ञान, साहित्य, भौतिकी, शांति। सर डी पीस को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए। यस सर। डी पीस पे थाला लगाया जाए। मैं जानता हूँ सही है सर, आप बार बार ऐसे रुका के बोलते, मैं जानता हूँ ये। Is the right answer. Well played, Aryav. कैसे मालूम पड़ा आपको इतना मुश्किल प्रश्न का उत्तर? सर एक्चुअली आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक स्टूडेंट एड फॉर दिस, कि उसका एक न्यूज़पेपर पे पहला पेज पे आया था ये। ओके, ये जो पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया गया। रूस का जो था वो मेमोरियल था, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज तो यूक्रेन का, और जो बेलारूस से थे यानी तीसरे, उनका नाम कुछ एल्स कुछ था ना, ALES बायोलेट्स के ऐसे कुछ, ऐसा कुछ था। वो भी जानकारी है आपको? और ये अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, अब बहुत ही बुद्धिमान हैं आप। थैंक यू सर। ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी आर्यव? और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कुछ सबसे अधिक बिकने वाली बच्चों की पुस्तकों के इनमें से किस लेखक ने एक जेम्स बॉन्ड फिल्म की पटकथा भी लिखी है? Which of these best-selling children's authors also wrote the screenplay of a James Bond film? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए J.K. Rowling, बी Roald Dahl, सी C.S. Lewis, डी Dr. Seuss। किस लेखक ने एक जेम्स बॉन्ड फिल्म की पटकथा भी लिखी? सर, आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक माय लास्ट लाइफलाइन। ओके, लास्ट लाइफलाइन लेंगे ये, वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और अनुजा जी की बारी आ गई है। अनुजा जी हमारे सामने प्रकट होइए और आर्यव की सहायता कीजिए। हेलो एवरीवन, हाय आर्यव। अनुजा जी एक बार फिर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका कालिया बच्चन के लिए। ऑलराइट, अनुजा जी हमारे सामने आर्यव बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं। तो ये अपनी आवाज में आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना पड़ेगा इसका सही उत्तर क्या है। रेडी? अगली आवाज जो है वो आर्यव की है। आर्यव आपका टाइम शुरू होता है अब। Which of these best-selling children's authors also wrote the screenplay of a James Bond film? A. J.K. Rowling, B. Roald Dahl, C. C.S. Lewis, D. Dr. Seuss. Okay, so Arya, isme I think he's also very famous children's author, not just author, and he's one of my favorite children's author. He's very tall, Roald Dahl. B. बी रोल डाल को लॉक किया जाए। सर बी पे ताला बी रोल डाल बी पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस।
12,50,000 पॉइंट जितवा दिए आपको अनुजा जी ने। रोल डाल, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री जैसे कार्यों को रचने वाले व्यक्ति हैं। 1967 में जेम्स बॉन्ड फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस, ये एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, उन्होंने वो लिखी थी। थैंक यू सो मच अनुजा जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट आर्यव, अब आ गया है भाई साहब 25,00,000 का प्रश्न। चारों लाइफलाइन चली गई आपकी। यस सर। किसी भी समय अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 13वां प्रश्न, 25,00,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनीज विश्व रिकॉर्ड के अनुसार 1950 में किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा कटा हुआ क्रिसमस पेड़ प्रदर्शित किया गया था? अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एट विच सिटी वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट कट क्रिसमस ट्री एग्जिबिटेड इन द ईयर 1950? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए सिएटल, बी पेरिस, सी ब्रसल्स, या डी आइंडहोवन। के बारे में कुछ सुना नहीं है। पेरिस में शायद ही हुआ होगा, ब्रसेल्स नो थिंक। सही उत्तर देंगे आपको 25,00,000 पॉइंट, कोई लाइफलाइन नहीं। सर मैंने कहीं पढ़ा या सुना था, सर आई थिंक ए सिएटल, सिएटल को लॉक किया जाए। सिएटल, सिएटल ए। यस, ताला लगा दें। यस सर, फाइनल उत्तर आपका। यस सर। ओके, ए सिएटल पे ताला लगाया जाए। आपसे हमने कहा था कि अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। सर अगर आप क्विट कर जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। ये बिल्कुल सही जवाब दिया। माय गॉडनेस, अनबिलीवेबल। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये जो पेड़ था आर्यव, ये एक डगलस फर था, पेड़ का एक जो नाम होता है, जिसे सिएटल में नॉर्थ गेट शॉपिंग सेंटर में दर्शाया गया था, और ये 67.36 मीटर लंबा था। ओएमजी, बहुत ऊंचा। आपको कैसे मालूम था ये? सर मैंने कहीं आपने गेस किया? मैंने कहीं पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? मैंने एक शायद सुना था मैंने। हाँ सुना था, चलो मैंने कहीं सुना था मैंने, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सुना था, पढ़ा था या देखा था। अरे अब ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक बार जोरदार ताली बजा। थैंक यू, वेल प्लेड अरे अब। ऑलराइट, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। ओके, आ रहा है 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न, और ये है 50,00,000 पॉइंट का। ऑलराइट, 14वां प्रश्न 50,00,000 पॉइंट्स के लिए। आर्यव शाह, स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति ने एक टेस्ट मैच के सभी 5 दिनों में बल्लेबाजी नहीं की है? Which one of these people has not batted on all 5 days of a single test match? Options: A. Mohinder Amarnath, B. M.L. Jaisimha, C. Ravi Shastri, D. Cheteshwar Pujara. Sir, I would like to quit. Nahi malum uttar. जल्दी उत्तर दे दिया आपने, यू क्विट। अनुमति देते हैं आपको आर्यव कि आप क्विट कर जाएं। तालियां बज जाएं इनके लिए, 25,00,000 पॉइंट जीते हैं आपने। जो जीती हुई जो पॉइंट्स हैं डिजिटली ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 1, 2, 3, 4 5 यस सर। ऑलराइट, यस सर, कंफर्म कर दिया गया, पहुंच गया ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गया। वेल प्लेड आर्यव,
और जब ये देवी सोचो जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ये जितने भी 25 लाख पॉइंट हैं ये धनराशि के रूप में बदल जाएंगे। अरे बहुत सुंदर तरीके से खेला आपने, बहुत ही मुश्किल प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड। अब जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कर लीजिए ऐसे ही। सर आई थिंक एमएल जयसिम्हा। ओके, बी एमएल जयसिम्हा पे ताल लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है महेंद्र अमरनाथ। मुझे ऐसा, इनमें से किस व्यक्ति ने एक टेस्ट मैच में सभी 5 दिनों में बल्लेबाजी नहीं की है? जयसिम्हा, चेतेश्वर पुजारा, रवि शास्त्री ने 5 दिन बैटिंग की हुई है लेकिन महेंद्र अमरनाथ ने नहीं की थी, इसलिए महेंद्र अमरनाथ वॉज द राइट आंसर। ओके, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल 10 लोगों ने यह कारनामा किया है जिसमें 3 भारतीय हैं, उनमें से सबसे पहले एमएल जयसिम्हा थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 1960 में यह किया था। ऑल 5 डेज ही बैटेड इन अ टेस्ट मैच। या नाइस। जाने से पहले इनको मिलता है गुडी बैग जो अभी आपको दिया जाएगा। कैन वी हैव द गुडी बैग प्लीज? थैंक यू। हमारे गुडी बैग है आपके लिए। और केबीसी की तरफ से एक मेडल भी आपको पहनाया जाएगा। वेरी मच, थैंक यू सर। वेल डन।